बताया कि कल जो मादार बंदीखाने से यहाँ आए हैं वो उनके साथ था। बंदीखाने के सर जहन्नुम से यहाँ पहुंचकर वो बेहद मुतमईन नजर आता था। उसके चेहरे पर भूख और बेआरामी ने जो जर्दी खंड रखी थी वो भी अब कम नजर आती थी। उसके चेहरे पर सबसे अहम आंखें थीं, बोलती हुई जहीन आंखें। जब से उसे उस बात का यकीन हुआ था कि चश्मा उसे झूठ नहीं बोल रही और वो आज भी वही पहले वाली चश्मा है, उसकी आंखों में जिंदगी की चमक उजागर हो गई थी। अब बंदी खाने से इस आरामदेह सुरंग में आकर ये चमक और नुमाया हुई थी। यकीनन उसके दिल में उम्मीद की किरण रोशन हो गई थी। उसे तवक्को पैदा हो गई थी कि शायद वो इस वादी मौत से बचकर वापस अपने कबीले पहुंच जाए और फिर इस सूरत को देख सके जिसके लिए उसकी रातें बेआराम और दिन बेसुकून हैं। इंसान अपने मुस्तकबिल के बारे में कुछ कह नहीं सकता। अक्सर औकात उसके सारे तखमीने, अंदाजे और मंसूबे धरे रह जाते हैं। छोटी छोटी खूबसूरत दाढ़ी वाला ये सुर्खो सफ़ेद नौजवान भी अपने मुस्तकबिल से कतई बेखबर था। वो बंदी खाने से अपनी रिहाई को नेक शगुन समझ रहा था। उसे क्या मालूम था कि यह शगुन उसके लिए मौत का परवाना भी साबित हो सकता है। मेरा सीना दुख की शिद्दत से जल उठा। बहरहाल मैंने अपने तासुरात से कुछ जाहिर नहीं होने दिया। मैं तो शदीद परेशानी के आलम में मुब्तला था ही, अपने साथ दूसरों को क्यों करता। और फिर अभी तक कुछ वाजे भी तो नहीं था, ऐन मुमकिन था कि मेरी भयानक सोच गलत ही साबित हो। मैं अपने कमरे में वापस आ गया। रात आहिस्ता आहिस्ता अपने पर फैला रही थी। यह हसीन शबिस्तान अलिफ ललवी मंजर पेश कर रहा था। शराब की सुराहियाँ, औरतें, तमाशागाहों की तरफ से आने वाली मौसीकी की मध्यम लहरें और पकवानों की खुशबू। लेकिन मैं इस होशरुबा माहौल से कोसों दूर था। मैं गौतकी के सहारे गुमसुम बैठा था। जापानी लड़की चिंग और मकामी दोशीज़ा राबी मेरे करीब बैठ गईं। वो अपनी अदाओं से मेरा दिल लुभाने की कोशिश कर रही थीं। मैं ज़्यादा बेजारी का भी इजहार नहीं कर सकता था। ऐन मुमकिन था कि इस तरह इन्हें शक हो जाता। जापानी चिंग बोली, गाना सुनोगे? हाँ सुना दो। मैं नहीं, ये सुनाएगी। उसका इशारा राबी की तरफ था। उसने राबी को इशारा किया। वो एक कोने से सारंगी जैसा कोई साज उठा लाई। बड़े स्टाइल से नशे जमा कर उसने साज अपनी गोद में रखा। फिर उसकी पतली पतली खूबसूरत उंगलियां साज पर हरकत करने लगी। वो गाना गाने लगी। ये मकामी ज़ुबान का गाना था। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था, लेकिन आवाज़ पुरसोस थी और लय भी मेरे दिल में उतर रही थी। उस गाने का साथ देते हुए चिंग ने हौले हौले थिरकना शुरू कर दिया। फिर वो बाकायदा रक्स करने लगी। गुदास कालीन पर उसके दूधिया पाँव बड़ी नज़ाकत से हरकत करने लगे। वो मुख्तसर लिबास में थी। लैम्प की रोशनी में उसका जिस्म शीशे की तरह चमक रहा था। रक्स करते करते उसने बिलोरी सुराही की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन मैंने उंगली के इशारे से मना कर दिया। मुझे ये सब कुछ पसंद नहीं था और वैसे भी शदीद परेशानी ने मुझे घेर रखा था, लेकिन फिर भी राबी की आवाज़ अच्छी लगी। एक ख़ास कस्म का गुदास और सोज था इस आवाज़ में। ना जाने क्यों मेरे जहन में गजाला की छवि मिटने और बनने लगी। मैं गजाला को उसके शौहर नामदार के साथ गिलगित में छोड़ कर आया था। पता नहीं वो कहाँ और किस हाल में थी। मैं जानता था जैसे मैं इसके बारे में सोचता हूँ वो भी मेरे मुतालिक सोचती होगी। खुदा मालूम वो क्या सोच रही थी। उसके तो वहम गुमान में भी नहीं होगा कि मैं किन मुसीबतों में जकड़ा हुआ हूँ। राबी की आवाज़ की लहरें मुझे अपने साथ बहाती हुई बहुत दूर गजाला के पास ले गईं। मैं उसके होंठ, गुलाब होठों को देखने लगा, उसकी रेशमी जुल्फों में उलझने लगा। तसव्वुर ही तसव्वुर में मैंने गजाला से पूछा, मुझे याद करती हो ना? वो खामोश रही, बस पलके झुका ली। याद रखना, मुझे भूल मत जाना। मेरी ज़िंदगी बस इसी एहसास के गिर्द घूमती है कि तुमने मुझे भुलाया नहीं है। राबी का गाना ख़त्म हो गया। चिंग का तड़पता मचलता जगमगाता जिस्म भी थम गया। वो तेज़ सांस ले रही थी और मुस्कुराती नज़रों से मेरी तरफ देख रही थी। इन नज़रों में होशरुबा इशारे पोशीदा थे। ये हसीनो जमील ज़िंदगी के इशारे थे, लेकिन मैं जानता था कि ये मौत के इशारे भी हो सकते हैं। ऐन मुमकिन था कि हम इस शबिस्तान में गुजारी हुई 10 निशात अंगेज़ रातों की कीमत एक दर्दनाक मौत की सूरत में चुकानी पड़े। इन लड़कियों के बोसे मौत के बोसे बन सकते थे। इन लड़कियों का वसल अजल का मुसाफा साबित हो सकता था। वक्त अपनी मखसूस रफ्तार से गुजरता रहा। रात का अंधेरा दिन के उजाले में मदगम होता रहा और दिन के उजाले को रात की रेशमी तारीकी आगोश में लेती रही। मुझे कुछ खबर नहीं थी कि हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। इस जंगली कबीले का हर फसू हमारी निगाह से ओझल था। जरीगुल कई बार पूछ चुका था कि मैं क्यों गुमसुम रहता हूँ। मैं हर बार सफाई से उसे टाल गया था।
जरीगुल ने अपने तौर पर यह अंदाज़ा लगाया था कि मेरी परेशानी की वजह सफदर है। हमें यहाँ पहुँचे हुए 19 दिन होने को आए थे और अभी तक उससे मुलाकात नहीं हुई थी, ना ही उसकी तरफ से कोई इत्तला मिली थी। जरीगुल ख़ुद भी कुछ कम बेकरार नहीं था। वो जल्द अज जल्द सफदर और कुलसुम वगैरह को देखना चाहता था। वो इस परेशानी से कोसों दूर था जो मुझे लाहक थी और गुजरने वाले हर दिन के साथ शदीद तर होती जा रही थी। मैंने अपनी खिदमतगार दोनों लड़कियों के रवैये का बगौर जायज़ा लिया था और मुझे उनके रवैये में कुछ खौफनाक झलकियाँ नज़र आई थीं। कभी कभी मेरे साथ वो ऐसा सलूक करती जो किसी चंद रोज़ा मेहमान के साथ किया जाता है। उनके सलूक में सबसे ज़्यादा तकलीफ दह चीज़ उनकी आँखों का तासुर होता। इस तासुर में रहम और तरस की कैफियत मिलती थी। बिल्कुल ऐसी ही सूरत का जिक्र मुझसे मरहूम शाहिद खान ने अपनी हलाकत से एक दो रोज़ कबल किया था। मुझे वो गुफ्तगु अच्छी तरह याद थी जब मैं आखिरी बार शाहिद खान से मिलने उसके सुरंग में गया था। एक ऐसे ही इशरत कदे में वो नौखेज हसीनाओं के दरमियान मौजूद था, लेकिन उसका चेहरा सता हुआ था। शाहजहां साहब, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये लोग मुझसे अजीब सा बर्ताव कर रहे हैं, जैसे मुझे कहीं दूर भेजने से पहले मेरी मेज़बानी का हक अदा किया जा रहा हो। ऐसी ही कई मायूसकुन बातें उसने कही थी और फिर अगले ही रोज़ उसे ज़िल्लत आमेज़ मौत मार दिया गया था। मैं अपने लिए बेबसी और बेचारगी की मौत का तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। मैं जानता था कि अगर कोई ख़तरनाक सूरत हाल पेश आई तो मुझे भरपूर मज़ाहमत करनी है, लेकिन सवाल यह था कि कैसे और किस वक्त। मैंने इस बारे में काफ़ी सोच विचार की थी, लेकिन मसला यह था कि अभी तक कोई हतमी बात नहीं थी। ये शायद 8वें रोज़ की बात है। मैं बिस्तर पर चित लेटा था। मकामी लड़की राबी मेरा सर दबा रही थी। यहाँ रहने वाले हर शख्स के जिस्म से नागवार सी बू उठती थी। यकीनन ये बू राबी में भी मौजूद थी। शुरू में यह बू खासी वाजे थी, लेकिन अब 7-8 दिन के बाद मेरी हिस्से शामा खासी हद तक कुंद हो चुकी थी। राबी मेरे साथ लगी बैठी थी, लेकिन इसके बावजूद मैं नागवारी महसूस नहीं कर रहा था। अचानक चिंग कमरे में दाखिल हुई। उसने बताया कि कोई मुझसे मिलने आया है। मेरे दिल में सफदर का ख्याल आया, लेकिन फिर चिंग की ज़ुबानी पता चला कि आने वाली कोई औरत है। वो नाशा थी। उसका आना भी मेरे लिए बेहद खुशी का बायस था। नाशा हस्ब दस्तूर ढीले ढाले ऊनी लबादे में थी। पाँव में जॉगर्स टाइप के जूते थे। गिरबान इतना कुशादा था कि जिस्मानी खतूत वाज़े वजाहत से नज़र आते थे, लेकिन वो इनकी तरफ से कतई बेपरवाह रहती थी। अजीब सी सरकशी थी इसकी चाल ढाल में। वो बज़ुबान खामोशी हर कायदे जाब्ते से बगावत करती महसूस होती थी, लेकिन उस वक्त वो भी कुछ खामोश और निढाल सी नज़र आ रही थी। उसके चेहरे पर नज़र आने वाली मुस्कुराहट भी फीकी फीकी महसूस हुई। वो मेरे करीब बैठ गई और हालचाल दरियाफ्त करने लगी। क्या बात है नाशा, हमें यहाँ आए हुए 8 रोज़ हो चुके हैं। इससे पहले बंदी खाने में भी हम 10-12 रोज़ रहे, लेकिन तुम सिर्फ एक बार मिलने आई और सफदर तो एक बार भी नहीं आया। क्या कोई पाबंदी है तुम्हारे ऊपर? हाँ, पाबंदी तो है। वैसे भी मैं कुछ बीमार रही हूँ। मुझे लगता है तुम लोग कुछ छुपा रहे हो। उसके चेहरे पर रंग सा कर गुजर गया, लेकिन संभल कर बोली, नहीं, ये तुम्हारा वहम है। भला मुझे छुपाने की क्या ज़रूरत है? और ऐसी बात हो भी क्या सकती है? होने को तो बहुत कुछ हो सकता है। मुझे अपने साथी शाहिद खान का अंजाम याद है। उसे भी ऐसी ही मेहमान नवाजी के बाद मौत के घाट उतार दिया गया था। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। नाशा की आवाज़ कांप रही थी। एक निदामत का एहसास उस पर तारी था। निगाह खुद ब खुद झुक गई थी। मैंने अपनी उंगली से उसकी थोड़ी को छूकर उसका सर ऊपर उठाया। नाशा, मेरी तरफ देखो। उसने मेरी आंखों में देखा। उसकी आंखें अशकबार थीं। एकदम जैसे उसके सब्र का बंध टूट गया। उसने चेहरा हाथों में छुपाया और सिसकियों से रोने लगी। मैं अपनी जगह मुजस्मे की तरह साकित बैठा रह गया। मेरे दिल ने उसी लम्हे गवाही दी कि मेरे जहन में पैदा होने वाले बदतरीन अंदेशे 100% हकीकत हैं। यकायक नाशा चिल्लाने लगी, ये तुम्हें मार देंगे, ये तुम सबको मार देंगे, ये नहीं छोड़ेंगे तुम्हें जिंदा। ऐसी मौत से बेहतर है कि यहाँ से भागने की कोशिश करके मर जाओ। शाहजहां, अगर भाग सकते हो तो भाग जाओ यहाँ से, भाग जाओ। नाशा की बुलंद आवाज़ सुनकर चिंग और राबी सहम गई थी। दरवाजे पर मुसल्ला पहरेदार भी दरवाज़ा खोलकर अंदर आ गया। नाशा को रोते धोते देखकर उसके करख चेहरे की सख्ती में इजाफा हो गया। उसने मकामी जुबान में नाशा से कुछ कहा। अल्फाज शायद सख्त हों, लेकिन लहजा एहतराम का ही था। जवाब में नाशा फट पड़ी। उसका चेहरा अंगारे की तरह सुर्ख हो गया और वो पहरेदार को बेनकद सुनाने लगी। उसका यह रूप देखकर मुझे मुंजमद झील में होने वाली खूनी लड़ाई याद आ गई। नाशा का चेहरा उस वक्त भी ऐसा ही पुरजलाल नज़र आ रहा था।
इस लड़ाई में वो दीवानावार पहरेदारों पर झपटी थी और उनके लिए मौत बन गई थी। नाशा पहरेदार पर बिगड़ी तो चार पांच मजीद पहरेदार दौड़ते हुए अंदर आए। एक दो के सिवा सब मुसल्ला थे। वो सब बुलंद और तेज आवाजों में बोलने लगे। वो नाशा को मेरे कमरे से हटाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो हटने को तैयार नहीं थी। उसकी आंखों में गमो गुस्से की चिंगारियां थीं और वो पहरेदारों के इंचार्ज से बाकायदा हाथापाई कर रही थी। अचानक मुझे मौका मिल गया। मैंने सेकंड के दसवें हिस्से में फैसला किया और करीब खड़े हुए पहरेदार की 222 गन एक झटके से छीन ली। इससे पहले कि किसी की समझ में कुछ आता, मैंने दरवाजे में खड़े हुए एक चौड़े चकले पहरेदार के थोबड़े पर गन के दस्ते से जोरदार ज़रब लगाई। वो लड़खड़ाकर एक तरफ गिरा। मैं खुले दरवाजे से तीर की तरह बाहर निकल गया। भागते भागते मैंने गन का सेफ्टी कैच हटा लिया था। अब यह हथियार मेरी उंगली के इशारे पर आग उगल सकता था। मैं सुरंग में 10-12 कदम ही भागा था कि एक पहरेदार बलाए नागहानी की तरह मेरे सामने आ गया। उसके पास राइफल सीधी करने का वक्त नहीं था। इसने पूरी ताकत से मेरे चेहरे पर मुक्का रसीद करना चाहा। मैंने झुककर यह वार बचाया। वो लड़खड़ाया तो पलक झपकते में उसकी गर्दन मेरे बाजू की गिरफ्त में आ गई। मैंने मखसूस झटका दिया। वो एकदम मेरे बाजुओं में झूल गया। यही वक्त था जब एक कुल्हाड़ा बरदार मुहाफिज सुरंग के मोड़ से नमोदार हुआ और दौड़ता हुआ मेरी तरफ आया। मैंने अपने बाजू में झूलते हुए पहरेदार को जोर से उस पर धकेल दिया। दोनों पहले दीवार में लगी हुई मशल से टकराए और फिर पुरशोर आवाज़ से सुरंग के फर्श पर गिर गए। सुरंग के इस हिस्से में मशल गिर जाने से एकदम अंधेरा छा गया। मुझे अपने अकब में भागते हुए कदमों की आवाज़ें आ रही थीं। मैं अंदाजे से एक ज़ेली रास्ते में दाखिल हो गया और दौड़ने लगा। जल्द ही मुझे अंदाज़ा हुआ कि मैं गलत रास्ते पर जा रहा हूँ। भुने हुए गोश्त की खुशबू तेज़ हो गई थी और मौसीकी का शोर भी सुनाई दे रहा था। यानी मैं इन तीन तमाशागाहों की तरफ जा रहा था जहाँ शबो रोज़ एक राग रंग का सिलसिला जारी रहता था। मैंने अपना रुख फेरा और एक बल खाती हुई सुरंग में दौड़ने लगा। मेरे इर्द गिर्द पहरेदारों का शोर था और गाहे गाहे किसी राइफल का फायर भी सुनाई दे जाता था। यकायक मैंने खुद को बड़ी सुरंग में पाया। सुरंग का दहाना मुझसे सिर्फ निस फरलांग की दूरी पर नज़र आ रहा था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं इतनी जल्दी बड़ी सुरंग में पहुंच जाऊंगा। अगर मैं दहाने तक 100-150 गज का फासला सलामती से तय कर लेता तो मेरे बच निकलने के इम्कान रोशन हो सकते थे। सुरंग से बाहर गहरी तारीकी फैल चुकी थी। इस तारीकी में कोई टॉर्च जला सकता था और ना किसी दूसरे तरीके से रोशनी कर सकता था। मैं सूरत हाल से फ़ायदा उठाकर किसी घर में घुस सकता था या दरख्तों में छुप सकता था। मैंने दीवार के साथ साथ तेज़ी से दहाने की तरफ दौड़ना शुरू कर दिया। 20-30 गज़ का फासला मैंने सलामती से तय कर लिया, लेकिन फिर यकायक खुद का राइफल के एक तवील ब्रस्ट से सुरंग गूंज उठी। मुझे अपने पाँव में चिंगारियाँ से छूटती महसूस हुई। फायरिंग से बचने के लिए मैं औंधे मुँह संगलाख फर्श पर गिरा। फायरिंग रुकी तो मैं फिर उठा, लेकिन इससे पहले कि मैं भागता, तारीकी में से दो साए निकले और मुझसे लिपट गए। उनमें एक शख्स लंबा तड़ंगा था और दूसरा दरमियाने कद का गठा हुआ। लंबे तड़ंगे शख्स ने मेरी गन पर हाथ डाला। उसने बड़ी महारत से गन की नाल ऊपर की तरफ उठा दी। दरमियाने कद वाले ने मेरे पेट में राइफल का दस्ता रसीद करना चाहा। मैंने तड़प कर खुद को इस मोहलिक वार से बचाया और उसकी पीठ पर तसल्ली बख्श टांग जमाई। वो बड़ी कुव्वत के साथ पथरीली दीवार से टकराया और लड़खड़ाकर गिर गया। लंबा तड़ंगा शख्स बदस्तूर राइफल छीनने की कोशिश कर रहा था। मैंने उसकी नाव में घुटना मारा। वो थोड़ा सा झुका, लेकिन उसने राइफल नहीं छोड़ी। मैंने राइफल पर से एक हाथ हटाया और उसकी गर्दन कब्जे में लेना चाही, लेकिन ऐन आखिरी लम्हे में वो बेहद फुर्ती से मेरे इरादे को नाकाम बना गया। यही वक्त था जब मेरे अकब में आने वाली बलाएं मौके पर पहुंची और यके बाद दीगरे मुझसे लिपट गईं। ये सब लंबे बालों और बदबूदार जिस्मों वाले जानवरनुमा इंसान थे। उन्होंने हर तरफ से मुझे जकड़ लिया और घूसों और ठोकरों से मारने लगे। साथ साथ वो अपनी ज़ुबान में चीखों पुकार भी कर रहे थे। उन्होंने मुझे ज़मीन पर गिरा दिया और राइफल मेरे हाथ से निकल गई। उन्होंने मेरे हाथ पुश्त पर मोड़े और जंजीर कर दिए। फिर मेरे पाँव में भी बीड़ी पहना दी गई। मेरे इर्द गिर्द पहरेदारों का झमघट्टा था। वो सब के सब खूंखार नज़रों से मुझे देख रहे थे। यकीनन उन्हें इजाज़त नहीं थी, वरना वो यही मेरी तिक्का बोटी कर देते। वो मुझसे बेहद मोहताद भी नज़र आ रहे थे। मैं इससे पहले भी दो दफ़ा वादी में ज़बरदस्त हलका मचा चुका था। वो वहशी थे, लेकिन मैंने उन्हें वहशी तर बनकर दिखाया था। इस दौरान वो पहरेदार भी मौके पर पहुंच गए जिनमें से एक की गर्दन मेरी तख्ता मश्क बनी थी। पहरेदारों की यह टोली गुस्से से भरी हुई थी। उन्होंने आते ही मुझे जदोकोब करना चाहा, लेकिन इस मौके पर वो लंबा तड़ंगा पहरेदार आड़े आ गया जिसने मुझे रोका था। छोड़ दो, पीछे हटो, पीछे हटो, वो पहरेदारों को डांटने लगा। वो उर्दू बोल रहा था। मैं उसकी आवाज़ सुनकर दंग रह गया।
वो सफदर था। मैंने नीम तारीकी में आंखें फाड़कर उसे देखने की कोशिश की। हाँ, वो सफदर ही था। वो मकामी लिबास में था। उसके सर के बाल भी मकामी लोगों के अंदाज में लंबे हो चुके थे और चेहरे पर दाढ़ी नज़र आ रही थी। सफदर की दीद ने मुझे मबहूत कर दिया था। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि अभी चंद लम्हे पहले मैंने अपने जिगरी यार सफदर से हाथापाई की है, उसकी नाफ में घुटना रसीद किया है और उसके सीने पर कोहनी की ज़र्ब लगाई है। फिर मुझे याद आया कि चंद लम्हे पहले उसने कितनी फुर्ती से अपनी गर्दन मेरे मखसूस दबाव से बचाई थी। ओह खुदाया, तारीकी में किस पर हाथ उठा बैठा था मैं? मैं अभी सफदर को ठीक से देख भी नहीं पाया था कि पहरेदार मुझे घसीटते हुए सुरंग के अंदरूनी हिस्से में ले गए। मुझे कमरे में ले जाकर बड़ी बेदर्दी से कालीन पर पटक दिया गया। मेरे नाक मुँह से खून रिस रहा था, लेकिन किसी ने इस तरफ तवज्जो नहीं दी। मेरा ख्याल था कि जरीगुल मेरी खबरगीरी के लिए आएगा, लेकिन वो भी नहीं आया। मुझे अंदाज़ा हो गया कि उसे आने से रोक दिया गया है। दोनों लड़कियां भी कमरे से रुखसत हो गई थीं। मैं कालीन पर औंधा पड़ा इस काया पलट पर गौर करता रहा। हालात के इशारे बेहद खौफनाक थे। सफदर की सूरत देखकर मुझे कुछ तसल्ली हुई थी, लेकिन इससे कोई बात नहीं हो सकी। ना ही पता लगा था कि वो हमारे लिए क्या कर रहा है। ये बात तय थी कि वो कुछ ना कुछ कर ज़रूर रहा होगा। ये हो ही नहीं सकता कि वो हमें हमारी मुसीबत से लाताल्लुक़ हो। सफदर पर मेरा यकीन एक लम्हे के लिए भी डानोडोल नहीं हुआ था। ये यकीन डानोडोल हो ही नहीं सकता था। अगले 36 घंटे तक मैं बेयारो मददगार अपने कमरे में पड़ा रहा। इन 36 घंटों में मुझे सिर्फ एक मरतबा खाना दिया गया और सिर्फ आधे पौन घंटे के लिए चहलकदमी कराई गई। बड़ी हैरतनाक चहलकदमी थी ये। हाथ उल्टी हथकड़ी में जकड़े हुए थे और पाँव में कई किलो वजनी बेड़ी थी। मेरे हर कदम के साथ ये बेड़ी पथरीले फर्श पर खड़ाखड़ बजती थी। तीसरे रोज़ अला सुबह वो घड़ी असर पर आन पहुँची, जिसने कई रोज़ से मेरा जिस्मानी व जहनी सुकून तबाह कर रखा था। दो मुसल्ला पहरेदार कमरे में घुस आए। मैं इस सुरंग में उनकी सूरतें पहली बार देख रहा था। उनके हाथों में खुद का राइफलें थीं और चेहरे पर सिफाकी के सिवा कुछ नज़र नहीं आता था। वो मुझे लेकर कमरे से बाहर आ गए। यहाँ मैंने उन तमाम कैदियों को देखा जिन्हें चंद रोज़ पहले बंदी खाने से इस आरामदेह शबिस्तान में पहुँचाया गया था। इनमें जरीगुल के अलावा नौशाब और वाहिदी भी शामिल थे। नौशाब, जो कल तक खुश खुर्रम था, अब एकदम मतविश और हरासा नज़र आता था। उसके चेहरे पर दो तीन जगह ताज़ा चोटों के निशान थे। कुछ यही हाल जरीगुल और वाहिदी का भी था। उन सबको उल्टी हथकड़ी लगी थी और पाँव में बीड़ियाँ थीं। इन बीड़ियों की मौजूदगी में वो चल तो सकते थे, लेकिन किसी किस्म की फुर्ती दिखाने का सोच भी नहीं सकते थे। करीबन 15 अदद मुसल्ला पहरेदार इनके सरों पर मौजूद थे। मुझे भी उनमें इन पाबा जंजीर अफराद में शामिल कर दिया गया। जरी गुल बहुत बरुफाख्ता नज़र आ रहा था। उस्ताद साहब, ये सब क्या हो रहा है? कहाँ इतना इज्जत और कहाँ ये मारपीट और हथकड़ियाँ? कसम से हमारा तो दिमाग घूम रहा है। शायद वो कुछ और भी कहता, लेकिन एक पहरेदार ने राइफल की नाल उसकी कनपट्टी पर लगा दी और गरज कर उसे खामोश रहने का हुक्म दिया। जरी का चेहरा लाल गुलाबी हो गया, लेकिन मेरे तासुरात देखते हुए वो खामोश हो गया। पहरेदार हमें धकेलते हुए सुरंग के दहाने की तरफ ले चले। मेरे जहन में आंधियां चल रही थीं। दिल ये गवाही दे रहा था कि हम पर कोई बहुत बड़ी और बहुत ही बड़ी मुसीबत नाजिल होने वाली है। रह रहकर एक वसी तमाशागाह का तस्वुर निगाहों के सामने आ रहा था और बिफरे हुए सांडों की खौफनाक फनकारें कानों में गूंजने लगी थीं। नौशाम मेरे साथ साथ चल रहा था। उसके चेहरे पर बेचारगी आमेज़ हैरत बरस रही थी। वो दो हफ्ते पहले तक ज़िंदगी से बहुत दूर जा चुका था, लेकिन फिर मुझसे मिलने और मेरी और चश्मा की लातालुकी के बारे में जानने के बाद उसमें नए सिरे से ज़िंदा रहने की उमंग पैदा हुई थी। वो चश्मा से मिलना चाहता था। उससे अपने सबका रवैये की माफ़ी मांगना चाहता था। क़ैद में होते हुए भी उसने आज़ाद फिजाओं के ख्वाब देखने शुरू कर दिए थे। उसके कानों में फिर से मोहब्बत के नगमे गूंजने लगे थे। लेकिन जब यह सब कुछ हो गया तो वो फिर से संगीन तरीन मसाइब का शिकार हो गया। यकायक मेरे जिस्म के रोंगटे खड़े हो गए। मुझे कहीं दूर से सांड के डकराने की लर्जाखेज आवाज़ सुनाई दी। ये आवाज़ सूरज राफील की तरह मेरी समात में गूंजी। बेशक ये मस्त सांड की आवाज़ ही थी और हमें इसी आवाज़ की तरफ ले जाया जा रहा था। मेरी तरह जरीगुल ने भी यह आवाज़ सुन ली थी। मैंने कनखियों से उसका चेहरा देखा। उसका रंग हल्दी हो चुका था। मैंने पहली बार जरीगुल को इतना परेशान देखा था। उसकी सवालिया नज़रें मेरी तरफ उठीं। उनमें बेशुमार दहशत ज़दा सवालात चीख रहे थे। हमने सुरंग के अंदर करीबन एक फरलांग का फासला तय किया और फिर ये बात पाया सबूत को पहुंच गई कि हमारी मंजिल तमाशागाह है। बहुत बड़े मजमे का मिला जुला शोर सुनाई दे रहा था। नारों की गूंज थी और आवाज़ों में भी कभी कभी किसी सांड की आवाज़ भी शामिल हो जाती थी।
जरीगुल की तरह दीगर कैदी भी दहशतनाक मौत की चाप सुन चुके थे। उनके रंग बर्फ़ की तरह सफ़ेद हो रहे थे और कदम लड़खड़ाने लगे थे। खुदकार राइफलों के साए में मौत की तरफ हमारे मार्च का वो मंज़र नाकाबिले फरामोश था। अब हमारी दोनों जानिब लंबे चोहों वाले मकामी अफराद चलने लगे थे। उनके हाथों में तांबे के बने हुए छोटे कुल्हाड़े थे। वो इन कुल्हाड़ों को ऊपर नीचे एक साथ हरकत देते और अजीब व गरीब आवाज़ में कोई मनाजात पढ़ते थे। जो जो हम तमाशागाह से नज़दीक पहुँच रहे थे, मनाजात की आवाज़ बुलंद और तेज़ हो रही थी। एक अनोखा सा हिजान था इस आवाज़ में। फिर तमाशाइयों का खौफनाक मंज़र हमारी निगाहों के सामने आया। यहाँ सुरंग को तराश खराश कर एक वसी अरीस इनडोर स्टेडियम की शक्ल दी गई थी। स्टेडियम ही के अंदाज़ में यहाँ बैठने के लिए सीढ़ियाँ भी बनाई गई थीं। ये सीढ़ियाँ भी पत्थरों से तराशी गई थीं। वस्त में वही तालाब था जिसे ये लोग मौत के कुएं के नाम से याद करते थे। इस खुश्क तालाब की दीवारें पत्थरों को जोड़कर बनाई गई थीं। इन पत्थरों के दरमियान बारीक दरजे मौजूद थीं। जिस बदनसीब को बदमस्त सांडों के आगे डाला जाता था, वो जान बचाने के लिए इन्हीं दीवारों पर चढ़ने की कोशिश करता था। दरजों में हाथों और पाँव की उंगलियाँ फंसा फंसा कर किनारे की तरफ आता, लेकिन फिसल कर गिर जाता। तमाशे का यही हिस्सा सबसे ज़्यादा दिलचस्प और सनसनीखेज होता। तमाशा गाह की सीढ़ियों पर हमें लातादाद अफराद बैठे नज़र आए। इनमें मर्द जन, बूढ़े बच्चे सभी मौजूद थे। खुशहाल लोगों के लिए आगे की नशस्तें मखसूस थीं। उनके बालों में कीमती पत्थर गुंधे हुए थे और उनके लिबास कीमती और साफ़ सुथरे थे। आम अफराद गलीस और बदबूदार थे और वह दूर से ही पहचाने जाते थे। उनमें से बेशतर के लिबास और जूते वगैरह लूट का माल थे। नौमर लड़कों को हसब मामूल तमाशागाह में सबसे आगे जगह दी गई थी। ये लोग तालाब के बिल्कुल किनारे बैठे थे। तालाब के अंदर कुछ हलचल मौजूद थी, लेकिन दूर से नज़र नहीं आ रही थी। शायद कोई शौकिया खिलाड़ी बुल फाइट कर रहा था। पहरेदारों ने हम में से चंद मादारों को जुदा किया और ज़ेर ज़मीन सीढ़ियों की तरफ ले चले। हमें हकाकर तमाशागाह में पहुँचा दिया गया। तमाशागाह में एक जानब लोहे का एक बड़ा पिंजरा था। हमें इस पिंजरे में धकेल दिया गया और दरवाज़ा बाहर से मुकफ़िल कर दिया गया। जिन मादारों को ज़ेर ज़मीन सीढ़ियों की तरफ ले जाया जा रहा था, वो अब नज़र नहीं आ रहे थे। खुशाब और ज़रीबी ज़ेर ज़मीन जाने वाले मादारों में शामिल थे। वाहिदी हमारे साथ था। ये सब क्या है वाहिदी? वो बोला, खुदा का शुक्र अदा करो, शायद तुम्हें एक दिन की मोहलत और मिल गई है। क्या मतलब? क्या हमारी सज़ा पर आज अमल दरामद नहीं होगा? हम शायद कल तमाशा बनेंगे। आज हम तमाशाई हैं। और आज कौन तमाशा बनेगा? आज वो तमाशा बनेंगे जो सीढ़ियों से नीचे उतारे गए हैं। ये तमाशा 2-3 दिन जारी रहेगा, लिहाजा सज़ा पाने वाले तमाम बदनसीबों को एक ही रोज़ ज़िंदगी से छुटकारा नहीं मिलेगा। मेरे कानों में सीटियाँ सी बज रही थीं। इर्द गिर्द के मनाजिर निगाहों में धुंधलाते जा रहे थे। जो अफराद सीढ़ियों से नीचे उतारे गए थे, उनमें नौशाब के अलावा ज़रीगुल भी शामिल था। तो क्या मैं अभी थोड़ी देर में नौजवान नौशाब और अपने जान से अजीज साथी ज़रीगुल को मौत के मुँह में देखने वाला था? ये बड़ा लर्जा खेज ख्याल था। नौशाब और ज़री की हसरतनाक मौत का तसव्वुर से करके मेरा कलेजा मुँह को आ गया। जी चाहा जिसमो जहाँ की पूरी ताकत के साथ इन आहनी सलाखों से टकराऊँ और इन्हें तोड़कर निकाल के ले जाऊँ। तालाब के अंदर का मंजर सनसनीखेज था। एक सांड बेकरारी से तालाब में चकरा रहा था। उसके नोकीले सींगों पर रूई से भरे हुए गलाफ चढ़ा दिए गए थे। तालाब में वही बराना जिस्म जवां साल औरत थी जिसे मैं पहले भी देख चुका था। उसकी पेशानी पर दो धारियां नज़र आ रही थीं। इसका मतलब था कि वो कोई शादीशुदा औरत है। वो सांड के हमलों के सामने फुर्ती का मुजाहरा कर रही थी और मुख्तलिफ करतब दिखा रही थी। तमाशाई दांत के डोंगरे बरसा रहे थे। तमाशा देखने वालों में सरदार सिदरत भी शामिल था। वो काफ़ी फासले पर था, ताहम उसका चमकदार लिबास और उसके बालों में जगमगाते हुए कीमती पत्थर मैं दूर से भी देख सकता था। वो इसी जरनिगार कुर्सी पर बैठा हुआ था जिस पर चंद माह पहले मैंने सरदार पनामा को बैठे देखा था। फिर फनकार औरत का मुजाहरा ख़त्म हो गया। उसने हवा में कलाबाजी खाई और सांड के ऊपर से होती हुई निकासी के आहनी दरवाजे तक पहुँच गई। सांड ने भन्ना कर उसे टक्कर मारनी चाही, लेकिन उससे पहले ही वो दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल चुकी थी। सांड के सर की ज़ोरदार ज़रब से लोहे का दरवाज़ा झंझना उठा। थोड़ी देर बाद ही लंबे बांसों की मदद से सांड को भी तालाब से बाहर निकाल दिया गया। तालाब में नज़र आने वाला अगला मंजर यकीनन बहुत दहशतनाक था और उसका सबूत मौसीकी का हैजान अंगेज शोर था। मौसीकी तो पहले भी सुनाई दे रही थी, लेकिन अब इसका आहंग बिल्कुल बदल गया था। इस मौसीकी में ढोल की थाप नुमाया तर थी और इस थाप के साथ दिल भी शिद्दत से धड़कते हुए महसूस हो रहे थे। कुछ देर बाद तालाब के अंदर से चीखो पुकार की लर्जा खेज आवाज़ें सुनाई देने लगी। ताहम चीखने वाला नज़र नहीं आ रहा था।
इसी दौरान में तालाब के दो दरवाजों में से एक खुला और तीन अदद नहायत सेहतमंद बिफरे हुए सांड दंदनाते हुए अंदर दाखिल हो गए। उनके नोकीले सींग बेनियाम तलवारों की तरह दिखाई दे रहे थे। वो इधर उधर चकराने लगे, फिर आपस में सींग टकराने लगे। चीखों पुकार की मध्यम आवाज़ बदस्तूर सुनाई दे रही थी। अचानक तालाब का दूसरा दरवाज़ा खुला और वो बदकिस्मत शख्स अंदर आ गया जिसकी मौत पर मुहर सबत हो चुकी थी। वो सरतापा बरहना था। उसे अकब से धक्का देकर सांडों के सामने फेंका गया और दरवाज़ा बंद कर दिया गया। एक सांड सर झुकाकर उसकी तरफ लपका। वो चीखता हुआ दीवार की तरफ बढ़ा और गैर इरादी तौर पर ऊपर चढ़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन ये कोशिश आसान नहीं थी। पिछली दफ़ा कैदी बहरोज़ खान के हवाले से जरी ने मुझे बताया था कि पिछले 3-4 बरसों में सज़ा पाने वालों में सिर्फ 2 अदद खुशनसीब अफराद तालाब से निकलकर अपनी जान बचाने में कामयाब हुए थे। बदकिस्मत शख्स की पुश्त पर लगने वाली ज़ोरदार टक्कर ने उसे उसकी कई पसलियाँ तोड़ दी और सांड का एक सींग उसके जिस्म में घुस गया। सांड ने उसे उछाल कर तालाब के वस्त में ला फेंका। वो मछली की तरह तड़प रहा था और उसके लहू से तालाब का फर्श सुर्ख होता जा रहा था। उस मंजर को देखने से बहुत बेहतर था कि मुंह फेर लिया जाए। 2-3 मिनट बाद जब मैंने दोबारा तालाब में झांका तो बदकिस्मत शख्स कैदी की लाश कट फट कर नाकाबले शनाख्त हो चुकी थी। वहशी कबीले के सफाक तमाशाई जोश के आलम में गले फाड़ फाड़ कर चीख रहे थे और उछल कूद कर रहे थे। इसी दौरान में खुश तालाब का दरवाज़ा फिर खुला। एक और रोते बिलकते शख्स को बड़े ज़ोर से अंदर धकेल दिया गया। एक बार फिर वही खूनी तमाशा शुरू हो गया जिसे देखने के लिए लोहे का दिल और पत्थर का हौसला दरकार था। बदनसीब शख्स की भागदौड़, मौत के खिलाफ उसकी जद्दोजहद, उसका खूचंका जिस्म, उसका चीखना चिल्लाना, ये सब कुछ तमाशाइयों के लिए तफरी तबाह का बायस था। करीबन 10 मिनट में ये शख्स भी लाश में तब्दील हो गया। उसके लहू के छींटे तालाब की दीवारों पर नज़र आ रहे थे। मनहूस मौसीकी कुछ देर के लिए थम गई, जैसे किसी बड़ी आफत से पहले सुकून का एक मुख्तसर वक्फा आता है। मैं बेकरारी में अपनी जगह पर पहलू बदल रहा था। कुछ यही कैफियत वाहिदी की भी थी। मेरी डरी हुई निगाहें तालाब के उस आनी दरवाजे पर लगी हुई थीं जिसमें से बदकिस्मत अफराद अंदर धकेले जाते थे। मालूम नहीं अब दरवाजे में से किसको दाखिल होना था, नौशाब को, जरी गुल को या किसी और को। दिल की धड़कन कानों में गूंजती हुई महसूस हो रही थी। किसी वक्त जी चाहता कि आँखें बंद कर लूँ और उस वक्त तक बंद रखूँ जब तक ये इंसानियत सोच तमाशा ख़त्म ना हो जाए। बरहना जरी गुल को मौत का रक्स करते मैं कैसे देख सकता था, लेकिन आंखें बंद होने से क्या होता। मैं मरने वाले की चीखें तो सुन सकता था और कानों में उंगलियां देना मेरे बस में नहीं था। मेरे हाथ उल्टी हथकड़ी में जकड़े थे। काश वक्त की गर्दिश थम जाए। मेरे दिल से बार बार ये दुआ निकल रही थी। मनहूस मौसीकी फिर सुनाई देने लगी। तब तालाब का दरवाज़ा धमाके से खुला और एक शख्स रुड़कता हुआ अंदर आ गया। वो नौशाब था। उसके जिस्म पर कपड़े का एक तार नहीं था। गिरते साथ ही वो गैर इरादी तौर पर फिर दरवाजे की तरफ लपका, लेकिन उसके पहुंचने से पहले ही आनी दरवाज़ा फिर धमाके से बंद हो गया। छोटी छोटी दाढ़ी वाला मजबूत जिस्म का दराज कद नौशाब तालाब की दीवार से लगा खड़ा था। उसका रंग हल्दी हो रहा था, लेकिन वो चीखों पुकार नहीं कर रहा था। एक सांड अपने पाँव को फर्श पर रगड़ रगड़ कर उसकी तरफ देख रहा था। फिर वो बिजली की तेज़ी से नौशाब की तरफ आया। नौशाब ने तड़प कर खुद को बचाया और एक दम जस्त लगा कर सांड पर चढ़ गया। शायद उसका इरादा था कि वो तालाब की दीवार से चिमट जाए, लेकिन सांड ने पलक झपकते में उसे ज़मीन पर पटक दिया। एक दूसरे सांड ने उसे सींगों पर उठाया और दीवार पर दे मारा। नौशाब ने इस्तरारी कैफियत में दीवार पर चढ़ना शुरू किया। ये दीवार करीबन 16-17 फुट ऊँची थी। पत्थर के ब्लॉकों के दरमियान दरजे भी मौजूद थी। आम हालात में कोई इन दरजों में उंगलियाँ फंसा कर ऊपर चढ़ने का सोच भी नहीं सकता था, मगर मौत के शिकंजे में आया हुआ कैदी ये कोशिश भी कर गुजरता है। ये और बात है कि ये कोशिश हमेशा नाकाम होती है। नौशाब की कोशिश भी कामयाब नहीं हुई। बमुश्किल 4-5 फुट ऊपर जाने के बाद वो चिकनी दीवार से फिसला और नीचे आ गिरा। फलक शिगाफ कहकहू और तालियों से फिजा गूंज उठी। तालाब के ऐन किनारे पर बैठे 9 उम्र लड़कों ने चीख चीख कर सांडों को मुश्तैल किया। एक सांड ने नौशाब को सींगों पर उठाया और इतनी ज़ोर से उछाला कि वो कई फुट हवा में बुलंद हो गया। नौशाब के हलक से घुटी घुटी चीखें निकल रही थीं। ये वो बहादुर नौजवान था जिसने अपने कबीले की खातिर जान हथेली पर रखी थी और मौत के मुंह में छलांग लगाई थी। 4 जाबाजों में से सिर्फ वो जिंदा बचा था। मैं उसकी ज़िंदगी को मौजज़ा करार दे रहा था, लेकिन आज ये मौजज़ा फिर मौत की जद में था। चश्मा और नौशाब की मोहब्बत मौत की जद में थी और मुस्तकबिल के बेशुमार सुहाने ख्वाब भी मौत की जद में थे, और ये सब कुछ मेरी आँखों के सामने हो रहा था। मैं जहानी उस्ताद था। मेरे बारे में जरी गुल जैसे लोगों का ख्याल था कि मैं नामुमकिन को मुमकिन कर लेता हूँ
और बड़े एतमाद के साथ मौत से भी लड़ जाता हूँ। और वाकई कभी कभी ऐसा भी होता होगा, लेकिन हमेशा तो ऐसा नहीं होता, हमेशा ऐसा हो भी नहीं सकता। नौशाब ने एक सांड की आंख जख्मी कर दी थी। इसकी आंख से खून बह रहा था और वो तालाब में बुरी तरह उछल कूद कर रहा था। दूसरे सांड ने नौशाब को अकब से टक्कर रसीद की। वो लुढ़का और खून आलूद फर्श पर दूर तक फैल गया। उसकी रान से खाल उधड़कर घुटने पर लटक रही थी और कंधे पर सींग का एक बहुत गहरा घाव नजर आ रहा था। वो टांगे फैलाए तालाब के वस्त में लेटा था और करहा रहा था। वो सरतापा भरना था, लेकिन मौत के चुंगल में फंसकर शायद शर्मो हया का कोई भी तस्वर उसके जहन से महव हो चुका था। चीखते चिल्लाते और कहकहे लगाते दुश्मनों के दरमियान वो अकेला था। रूपाश देवता के सैकड़ों पुजारी एक निहत्ते दुश्मन को जानकनी के अजाब में मुबतला करके मसरूर थे। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। हाथ पांव जंजीर थे और सर पर राइफल बरदार पहरेदार खड़े थे। मैंने इस्तराब के आलम में ज़ोर ज़ोर से चीखना शुरू कर दिया, छोड़ दो इसे, मैं कहता हूँ छोड़ दो इसे। मेरी आवाज़ तमाशा गाँव में दूर तक गूंजी। बहुत से लोग मुड़कर मेरी तरफ देखने लगे। मैंने चिल्ला कर कहा, सरदार सिदरत, तुम जुल्म कर रहे हो, तुम दरिंदगी के ऊपर उतर आए हो, छोड़ दो इसे, मत मारो इसे। मालूम नहीं कि मेरी आवाज़ सरदार सिदरत तक पहुँची या नहीं, मगर लातादाद लोग मुड़कर मेरी तरफ देखने लगे। फिर वो चीखो पुकार मेरा जुनून समझते हुए जवाबी चीखो पुकार करने लगे। उनके हलक से अजीब व गरीब मजायका खेज आवाज़ें निकल रही थीं। मेरी आवाज़ उन आवाज़ों में और मौसीकी के बेहंगम शोर में दब गई। बदबूदार पहरेदारों ने पिंजरे की सलाखों से बाहर ही मुझे दबोच लिया। चमड़े की एक पट्टी जो शायद किसी की पतलून की बेल्ट थी मेरी गर्दन में डाली गई और रकब से यूं खींचा गया कि मेरी पुश्त पिंजरे की सलाखों से जा लगी। हाथ और पांव तो पहले से ही पाबंद थे, अब मैं गर्दन हिलाने से भी कासिर था। चर्मी पट्टी ने बड़ी मजबूती के साथ मुझे सलाखों से मुंसलिक कर रखा था। नौशाब तालाब की दीवारों के साथ लगा था। उसके सीने में एक सांड के दोनों सींग पेवस्त हो चुके थे। उसने दोनों सींगों को दोनों हाथों से थाम रखा था। उसका जिस्म जिंदगी की आखिरी हरकत कर रहा था, वही जानकनी की हरकत जो टिमटिमा कर बुझ जाने वाली शमा की याद दिलाती है। अपने प्यारों से बहुत दूर अपने दुश्मनों के नरगे में वो मर रहा था, और फिर वो मर गया। उसकी लाश बदमस्त जानवरों ने रौंद दी। उसका सर नारियल की तरह टूट गया। और अब शायद जरी गुल की बारी थी। मेरे जिस्म में आतिशफिशा दहक रहा था। एक लावा था जो संगलाख चट्टानों में सर पटक रहा था, लेकिन बाहर निकलने का रास्ता नहीं पा रहा था। मेरी निगाहें तालाब के नहस दरवाजे पर जमी हुई थी। ये दरवाज़ा अब एक बार फिर खुलने वाला था। ऐन मुमकिन था कि अभी चंद लम्हों बाद ज़ोरदार धक्का खाकर तालाब के वस्त में गिरने वाला ये शख्स जरी गुली हो, वो शख्स जो तवील अरसे से मेरा साया बना हुआ था। मेरे पसीने में बड़ी अकीदतमंदी से खून गिरा रहा था। वफादार, जिंदा दिल, बहादुर शख्स, क्या इसकी किस्मत में यही दर्दनाक मौत लिखी थी? मेरा दिल जैसे सीने में फटकर 100 टुकड़े हो गया। मैं जानता था कि जो होना है वो होकर रहेगा, और अगर मेरी आंखों की किस्मत में जरी की दर्दनाक मौत का मंजर लिखा है तो इसे कोई नहीं टाल सकता। मुझे महसूस हुआ कि मेरी हथेलियाँ पसीने से तर हैं और दिल बेपनाह रफ्तार से धड़क रहा है। अचानक मेरी निगाह एक शख्स पर पड़ी। वो तमाशागाह के दाखिली रास्ते पर नमूदार हुआ था और तेज़ी से सरदार सिदरत की तरफ आ रहा था। उसकी सूरत देखकर मैं चौंक गया। वो सफदर था, मेरा यार, मेरा गमखार। सफदर को देखकर मुझे वही सुकून महसूस हुआ जो एक डूबते हुए शख्स को किसी का हाथ थामकर महसूस हो सकता था। मेरे दिल ने गवाही दी, वो ज़रूर कुछ करेगा, वो ज़रूर कुछ करने वाला है। मुसीबत टलने वाली है, मेरा यार ये मुसीबत टाल कर ही दम लेगा। मेरा सीना फ़ख्र से लबरेज हो गया। दिलो दिमाग पर छाई हुई मायूसी की गहरी धुन एक ताबनाक सूरज को देखकर नापैद होने लगी थी। मैंने देखा सफदर सरदार सिदरत की नशिस्त के सामने पहुंचकर रुक गया है। वो सरदार के सामने झुक गया था और धीमे लहजे में कोई बात कर रहा था। सरदार सिदरत मुसलसल अजबात में सर हिलाता जा रहा था। फिर सिदरत ने हाथ का इशारा किया और वहशतनाक मौसीकी थम गई। सिदरत अपने उम्र रसीदा मुशीरों से मशवरा करने लगा। सफदर तेज़ कदमों से वापस लौट गया। 5-10 मिनट बाद सफदर दोबारा नजर आया। उसके साथ एक ज़ख्मी शख्स भी था। ज़ख्मी को एक तरफ से सफदर ने और दूसरी तरफ से एक मुसल्ला मुहाफिज ने सहारा दे रखा था। उस ज़ख्मी शख्स को सरदार सिदरत के अहन सामने फर्श पर बिठा दिया गया। सरदार उस ज़ख्मी शख्स से बातें करने लगा। सफदर भी करीब ही मौजूद रहा। सरदार ने अपने दो मुहाफिजों को कोई हुक्म दिया।
वो तेज़ कदमों से मौत के तालाब की तरफ चले गए। सफदर लोगों के दरमियान रास्ता बनाता हुआ सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। वो मेरी तरफ आ रहा था। चंद ही लम्हों बाद मैंने उसे अपने रूबरू पाया। उसने मकामी पहरेदारों से कड़क कर कुछ कहा। मेरी गर्दन से फौरन चर्मी पट्टी निकाल दी गई। सफदर ने इंचार्ज पहरेदार के हाथ से चाबी ली और आहनी पिंजरे का कुफल खोलकर अंदर आ गया। उसकी आंखों में आंसुओं की चमक थी। बेख्तियार होकर उसने मुझे गले से लगा लिया। एक शबनम जैसी ठंडक मेरे रगोपे में उतर गई। सफदर ने अपने हाथ से मेरी हथकड़ी खोली और एक बार फिर बेपना जज्बे के साथ मुझसे बगलगीर हुआ। उसने गुलूगीर आवाज़ में कहा, अब सब ठीक हो जाएगा शाहजहान साहब, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। सफदर जरी गुलाश सज़ा पाने वाले कैदियों में शामिल हैं। मैंने कहा ना कि आप बेफिक्र रहें, सरदार सिदरत के आदमी जरी को लेने गए हैं। वो देखें, वो जरी को ला रहे हैं। सफदर ने नीचे तालाब की तरफ इशारा किया। मैंने देखा जरी के जिस्म पर सिर्फ एक शलवार थी। ये शलवार भी गालिबन उसे अफरा तफरी में पहनाई गई थी। उसके पाँव में बदस्तूर बीड़ियाँ मौजूद थी। वो दो मुसल्लम हाफिजों के नरगे में धीमे कदमों से सरदार सिदरत की तरफ बढ़ रहा था। फिर वो सरदार के सामने पहुंच गया। सफदर भी मुझसे रुखसत होकर सरदार की तरफ चला गया। वहां देर तक गुफ्तगू होती रही। खूनी तमाशा अब थम चुका था। तमाशाइयों में इस्तराब नज़र आ रहा था। शायद वो समझ नहीं पा रहे थे कि इनकी तफरी का सिलसिला क्यों मुनक़ता हुआ है। 10-15 मिनट बाद सफदर फिर मेरे पास आ गया। उसका चेहरा अंदरूनी खुशी की वजह से तरोताज़ा नज़र आता था। शाहजहाँ साहब, सरदार ने उस शख्स की गवाही तस्लीम कर ली है। किस शख्स की बात कर रहे हो तुम? वही जिसे मैं अपने साथ लेकर आया हूँ। इसका नाम दोबे है। ये पुल के इन पहरेदारों में से है जिनसे आपने शुरू में मुलाकात की थी। शायद आपको मालूम ही हो, इन पहरेदारों में से कोई ज़िंदा नहीं बचा था। दोबे भी शदीद ज़ख्मी हुआ था। अब सफदर की बात मेरी समझ में आ रही थी। उसने यकीनन दोबे नाम के इस शख्स से सरदार के सामने मेरे और जरीकुल के हक़ में गवाही दिलवाई थी। मेरे अंदाजे की तस्दीक करते हुए सफदर बोला, दोबे आप दोनों के मुतालिक जानता है। उसने तस्दीक की है कि हमले से कुछ देर पहले आप और जरीगुल पुल पर पहुंचे थे। आपने इंचार्ज पहरेदार को खबरदार किया था कि जल्द ही रावल अपने लश्करियों के साथ पुल पर ज़बरदस्त हमला करने वाला है। आपने इसरार किया था कि आपको फ़ौरन सरदार सिदरत से मिलाया जाए। इस बयान के बाद सरदार सिदरत और उसके मुशीरों का रवैया आपके सिलसिले में खासा नर्म हो गया है। इसी दौरान में एक शख्स सफदर के पास पहुंचा और मकामी ज़ुबान में उससे कोई बात की। सरदार मुझे बुला रहा है, मैं भी आता हूँ। मुझे अंदाज़ा हुआ कि सफदर मकामी ज़ुबान किसी न किसी हद तक समझने लगा है। मैंने सफदर से पूछा कि जान चाल तो खैरियत से है ना? सफदर ने मेरी बात का जवाब अज़बात में दिया। 5-10 मिनट बाद सफदर जरीगुल को लेकर फिर मेरे पास आ गया। जरीगुल की बीड़ियाँ खोल दी गई थी और हाथ भी आज़ाद हो गए थे। अब उसके बदन पर पूरा लिबास नज़र आ रहा था। सफदर ने मेरी बीड़ी भी खुलवाई। तुम बड़े मौके पर आए हो सफदर, मुझे यकीन था कि तुमने हमें याद रखा होगा। शाहजहाँ साहब, याद तो उसे किया जाता है जो भूला हुआ हो। आप तो हर घड़ी मेरे दिमाग में रहते थे। जब से आप वादी में पहुँचे हैं मैं एक पल भी आपकी तरफ से गाफिल नहीं हुआ। तमाम सूरत हाल पर मेरी नज़र थी। मैं जानता था कि आपकी जान इसी सूरत में बचाई जा सकती है कि पुल के पहरेदारों में से कोई आपके बयान की तस्दीक करे। मुझे एक सरदार की ज़ुबानी मालूम हुआ कि पुल की हिफाजत पर मामूर 12 अदद पहरेदारों में सिवाय एक के सबकी लाशें मिल गई हैं। ये सोचा जा सकता था कि शायद ये पहरेदार मरा ना हो बल्कि ज़ख्मी हुआ हो। लेकिन अगर वो ज़ख्मी हुआ था तो उसे वादी के बड़े शिफाखाने में होना चाहिए था, लेकिन वो किसी भी शिफाखाने में नहीं था। एक इम्कान तो ये बनता था कि वो इन हलाकशुदगान में हो जो लड़ाई के दौरान तेज़ कोही नाले में गिर गए थे, मगर ये बात कुछ दिल को नहीं लगती थी। पुल के तमाम पहरेदार हिफाजती चौकी के अंदर लड़ते हुए मारे गए थे। उन्हें इतना मौका नहीं मिल सका था कि वो पुल की तरफ पसपास हो सकें। मेरा दिल गवाही दे रहा था कि ये दुबे नामी पहरेदार मरा नहीं है। मैं शबरोज़ उसकी तलाश में लगा रहा और आखिर उसे पा लिया। दरहकीकत ये एक वहमी शख्स था। उसका ख्याल था कि शिफा खाने में जाने में उसके लिए शदीद खतरात पोशीदा हैं। यही वजह थी कि ज़ख्मी होने के बाद वो घर में ही छुप गया और उसके अहले खाना मकामी तरीक़े के मुताबिक उसका इलाज मुआलजा करने लगे। उस शख्स का बड़ा भाई, बाप और दादा शिफा खाने में ही मरे थे, लिहाजा उसका ख्याल था कि रूपाश देवता ने उसके अहले खाना की रूह निकालने के लिए शिफा खाने की चारदीवारी मखसूस कर रखी है। बहुत जतन करके हम उस तक पहुँचे और उसे बयान देने पर आमादा किया। अभी सफदर की बात जारी थी कि 4 मुसल्लम हाफिज़ हमारी तरफ आते दिखाई दिए। उनके तेवर कुछ अच्छे नहीं थे। उनके साथ एक मुतरजम भी था। मुहाफ़िज़ों के इंचार्ज ने मुतरजम के ज़रिए मुझसे कहा, तुमको नहीं छोड़ा जा सकता,
क्योंकि तुम पर एक इल्ज़ाम और भी है। तुम्हारे हाथों एक शख्स शदीद ज़ख्मी हो चुका है और उसकी जान भी जा सकती है। मैंने किसी को ज़ख्मी नहीं किया। कल तुमने ये जानने के बाद कि तुम्हें सज़ा दी जा रही है अपनी क़यामगाह से भागने की कोशिश की थी। जिन पहरेदारों ने तुम्हें रोकने की कोशिश की तुमने इन्हें ज़दोकोब किया। उनमें से एक शख्स की गर्दन बुरी तरह मजरूह हुई है। वो कल से शिफाखाने में बेहोश पड़ा है। सफदर के चेहरे पर अब गहरी परेशानी नज़र आ रही थी। उसने मकामी ज़ुबान में इंचार्ज से कोई सवाल किया। इंचार्ज का जवाब खासा तवील था और उसमें हल्की सी तलखी भी शामिल थी। सफदर बेकरारी से पहलू बदल कर रह गया। इंचार्ज मुझे दोबारा हथकड़ी लगाना चाह रहा था लेकिन सफदर ने हाथ के इशारे से उसे रोक दिया। वो तेज़ कदमों से सरदार की तरफ चला गया। सफदर और सिदरत तादेर बातें करते रहे। उनकी गुफ्तगू तवील होती जा रही थी। इंचार्ज हाथ में हथकड़ी लिए खड़ा था और बेचैनी से पहलू बदल रहा था। इसी दौरान में बड़ी बड़ी बालियों वाले एक नहायत बदबूदार जंगली इंचार्ज के नाम को पैगाम लेकर आ गया। उस पैगाम के मिलते ही इंचार्ज ने मुतरजिम के ज़रिए मुझसे कहा, हम सरदार के हुक्म की तामील अपना फ़र्ज समझते हैं, तुम्हें हथकड़ी लगवानी पड़ेगी। मैं शदीद तजब्ज़ुब का शिकार था। कभी जी में आता कि अपनी आज़ादी का फ़ायदा उठाऊँ और मज़ाहमत का हक अदा करूँ। कभी जहन में यह बात आती थी कि मेरी मज़ाहमत मेरे साथियों के संगीन मुश्किल में इजाफ़ा ना करते। इसी दौरान में मुझे सफदर की सूरत भी नज़र आ गई। उसका चेहरा सता हुआ था। आंखों ही आंखों में उसने मुझे मशवरा दिया कि मैं फ़िलहाल हथकड़ी लगवा दूँ। मैं एक बार फिर उसी मनहूस बंदी खाने में था जहाँ सर्द हवाएं जिस्म को चीरती हुई गुजर जाती थीं और रात होते ही दरो दीवार बर्फ़ हो जाते थे। मुझे एक बार फिर कच्चे कीमे और अंडों वगैरह पर मुश्तमिल बदबूदार खाना निगलना पड़ा। इस मरतबा ज़रीगुल मेरे साथ मौजूद नहीं था। इल्ज़ाम गलत साबित हो जाने के बाद उसे रिहाई मिल गई थी और वो सफदर के साथ चला गया था। नौशाब भी इस दफ़ा मौजूद नहीं था। वो ज़िंदगी से ही रिहाई पा चुका था। कोठरी के जिस हिस्से में वो सोता था वो और आँखों में चश्मा के ख्वाब सजाता था वो गोशा अब किसी और के कब्ज़े में था। मुझे लगा जैसे नौशाब की आँखें अभी तक इस कोठरी में मौजूद हैं और आज़ादी के सपने देख रही हैं। वाहिदी और वो दीगर अफराद जिन्हें मौत की सज़ा हो चुकी थी इस कोठरी में नहीं थे। खबर नहीं कि उन्हें कहाँ रखा गया था। मैं सुबह तक उस बारे में सोचता रहा। सुबह पता चला कि वो इसी बंदीखाने में थे। मैंने अलग सुबह अपनी बैरकनुमा कोठरी के अंदर से वाहिदी और इन दीगर अफराद को देखा जो कल मेरे साथ तमाशागाह के पिंजरे में बंद थे। कल उन्होंने अपने साथियों का तमाशा देखा था और आज वो खुद तमाशा बनने वाले थे। उन्हें उसी खुश्क तालाब की तरफ ले जाया जा रहा था जहाँ बिफरे हुए जानवरों के सामने ज़िंदगी से सकती थी, तड़पती थी, मज़ायका खेज उछल कूद करती थी और फिर खून उगल उगल कर मर जाती थी। वो सब पापा जंजीर थे। उनके हाथ भी पुश्त पर बंधे हुए थे। उनके चेहरे जैसे मौत से पहले ही मर चुके थे। खून का एक कतरा तक नज़र नहीं आ रहा था उनके जिस्मों में। वाहिदी की वीरान आंखें एक लम्हे के लिए मेरी आंखों से चार हुईं। वो आखिरी झलक थी उसकी। उसके बाद मैंने सुपहर को वाहिदी की कटी फटी मस्ख लाश देखी। वो रात हमेशा से ज़्यादा तारीक और सर्द थी। उस वादी से बहुत दूर दुनिया का तसव्वुर मेरे जहन में आया। बमुश्किल 10 बजे का वक्त था। मैंने सोचा लाहौर के कई बाज़ार अभी बारौनक होंगे, अभी बाग़ों में चहल पहल होगी, सिनेमाओं के आखिरी शो अभी शुरू हुए होंगे। लेकिन इस वादी में यह आधी रात के बाद का वक्त था। रुपाश देवता के खौफनाक पैरोकार अपनी आधी से ज़्यादा नींद पूरी कर चुके थे। पहाड़ और उनकी बुलंदियाँ खामोश थीं। देवदार और चीड़ के जंगलों में कोहरा चकरा रहा था और शायद उन बदनसीबों की रूहें भी जो कल और आज मौत के तालाब में दर्दनाक तरीके से मारे गए थे। वो इस दरिंदगी और बेहसी का कुश्ता थे जो इंसानी फितरत में किसी अफरियत की तरह पिना रहती है। मुझे यखबस्ता फिजाओं में उनकी आखिरी कराहें और सिसकियां सुनाई दे रही थीं। इनमें यकीनन जवां साल नौशाब की सिसकियां भी थीं। वही नौशाब जिसने मौत को गले लगाना चाहा था तो मौत नहीं आई थी, और जब एक नए अज़म के साथ जिंदा रहना चाहा तो ज़िंदगी नहीं मिली थी। वो अपनी महबूबा को छूने की हसरत लिए इस दुनिया से रुखसत हो गया था। मैं दोहरे कंबल में लिपट कर सोया हुआ था। इसके बावजूद टांगे और हाथ सुन हो रहे थे। जो कैदी मेरे साथ लेटा हुआ था वो खासा बेहुदा था। बार बार अपनी एक टांग समेटता और इसका घुटना मेरे पहलू में रसीद कर देता। मैंने कई बार उसका घुटना पीछे हटाया। आखिर झल्लाहट में मेरे मुँह से निकला, क्या करते हो? वो गहरी तारीकी में कसमसाया और फिर उसकी आवाज़ आई, मैं कुछ नहीं करता, जो करता है शाहे जिन्नात करता है। मुझे जैसे बिजली का झटका लगा। मैंने तारीकी में आंखें झपकी और गौर से अपने पहलू में देखा।
क्या देखते हो, मेरे सर पर सींग तो नहीं उगाए? मैं उठकर बैठ गया। मेरे पहलू में लेटा हुआ साया भी कंबल हटाकर बैठ गया। मैंने बेख्तियार उसको टटोला। उसके गले में मालाएं और घंटियां नहीं थीं, लेकिन वो साईं आली ही था। मैंने उसे उसके बोसीदा चोले से ही पहचान लिया। ओए साईं, तुम यहाँ भी पहुँच गए? मुझे कहीं आने जाने के लिए रिक्शा टैक्सी की ज़रूरत नहीं होती, बस किसी भी जिन की दुम पकड़ कर पहुँच जाता हूँ। दुम समझते हो ना तुम, यानी पूशल। मेरे कान शाएं शाएं कर रहे थे। साईं की आमद हर बार हैरानकुन होती थी। किस सोच में पड़ गए? तुम्हारा क्या ख्याल है, जिनकी दुम नहीं होती? भाई होती है बास जिनों की दुम, लेकिन दुमदार सितारों की तरह ये जिन भी आम नहीं होते। तुमने कभी देखा है दुमदार सितारा? जवाब में मैं खामोश रहा। मैंने आज दोपहर एक दुमदार सितारा देखा था। मैं उसकी दुम की लंबाई नापता नापता इधर निकल आया। यहाँ के नामाकुल कुल्हाड़ा बरदारों ने मुझे पकड़ लिया और बांध कर यहाँ ले आए। मेरे जन्नात को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने असलहा निकाल लिया था, लेकिन मैंने उन्हें समझा बुझा कर वापस भेज दिया। वो कहाँ है? दुमदार सितारा? नहीं, तुम्हारी चाही थी सरोज, उसको छोड़ो, दुमदार सितारे की बात करो। मैंने दोपहर को देखा था, कल वो फिर निकलेगा, लेकिन तुम नहीं देख सकोगे। दोपहर के वक्त दुमदार सितारा देखने के लिए ख़ास आँखों की ज़रूरत होती है। बोलते बोलते वो एकदम संजीदगी से कहने लगा, तुम्हें मालूम है ना, दुमदार सितारा नहुसत की अलामत होता है। मालूम है ना तुम्हें? तुम क्या कहना चाह रहे हो? मैं नहुसत की बात कर रहा हूँ, तबाही की बात कर रहा हूँ। जहाँ दरिंदगी हद से ज़्यादा हो जाए, वहाँ फिर तबाही तो आती है ना। मेरे कान खड़े हो गए। मैंने साईं से पूछा, तुम किस तबाही की बात कर रहे हो? वही जो दुमदार सितारा ला रहा है। जॉन चावल का पता है ना तुम्हें? नहीं, मुझे नहीं मालूम। कैसे बेपरवाह हो तुम, असल में जिस काम के लिए यहाँ पहुँचे थे वही भूल गए? अरे ये जॉन चावल वही तो था जो हमें यहाँ लाया था। ये दूर दराज का सफ़र हमने उसी के लिए तो किया था। जो दफीना हमारी नज़रों से ओझल हो चुका है, उसका सुराग उसी जॉन चावल के पास तो है। अगर ये सुराग भी खो गया तो हम क्या करेंगे? दफीने से मुझे कोई ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है, तुम्हें है। तुम्हें ही पता होना चाहिए कि जॉन चावल किधर है। हाँ हाँ, तो मैं कब इनकारी हूँ, मुझे पता है कि वो कहाँ है। लेकिन मसला दुमदार सितारे का है, जो किसी भी वक्त अपनी दुम हिला देगा और तबाही आ जाएगी। हमें इस तबाही से बचकर निकलना है और अपने दोस्तों को भी निकालना है। कौन दोस्त? जॉन चावल, सफदर और वो बालके जिसे तुम जरीगुल कहते हो। तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आ रही, क्या कहना चाह रहे हो? कल दोपहर तक सब समझ में आ जाएगा। बस ख्याल रखना कि जब दुमदार सितारा अपनी दुम यानी पूशल हिलाए तो तुम मेरे साथ रहना, कहीं इधर उधर ना हो जाना। ये बात मेरी अब अच्छी तरह समझ में आ रही थी कि साईं आली अपने रमजिया अंदाज में किसी हलचल की तरफ इशारा कर रहा है, वो हलचल जो कल किसी वक्त इस वादी में रोनमा हो सकती थी। मैंने साईं से पूछा, तुम जिस तबाही की बात कर रहे हो वो किस किस्म की है और कौन लाएगा? किस्म का तो मुझे पता नहीं, लेकिन लाएंगी वही आँखें जो तुमने देखी हैं और मैंने भी, वही ख़ास आँखें जो एक बार देख कर भुलाई नहीं जा सकती। मैंने वजाहत चाही, लेकिन साईं आली ने वजाहत नहीं की। उस पर अजीब सी खुद फरामोशी तारी हो गई थी। बैठे बैठे वो कहीं दूर, बहुत दूर चला गया था, सैकड़ों हजारों मील के फासले पर। मेरा दिल गवाही दे रहा था कि साईं आली ने जिन आँखों की बात की है, ये वही आँखें हैं जो मैंने सरदार रावल की बस्ती में संगी दीवार के पार देखी थी। उस पुरुषरार रेशमी खेमे में जहाँ किसी नादीदा माखज से सुनहरी रोशनी फूटती थी और एक इंतहाई हसीन और जमील शख्स का हिवला नज़र आता था, ये उस शख्स की आंखें थीं। वो आंखें सिर्फ एक साथ के लिए मुझसे चार हुई थीं। मैंने महसूस किया था कि उनमें बे इंतहा ताकतवर मकनातीसी लहरें हैं जो फूट कर उन आंखों से इर्द गिर्द की हर चीज़ को अपने अहाते में ले रही हैं। फिर मेरे जहन में वज़ीर मंसूर ख़ान की खूबरू बेवा नायला का तसव्वुर आ गया। यकीनन यही पुरस्रार आँखें जिनकी बेपना कशिश इस लड़की पर असंदाज हो रही थी। मैं नायला की गैर मामूली कैफियत को अभी तक फरामोश नहीं कर सका था। वो गिलगित में अजीब हैजान का शिकार नज़र आती थी। फिर जब हम केचाल के मकाम पर हमने उसे आज़ाद छोड़ दिया था, तो वो बर्फ़ पोश पहाड़ों और वादियों में दीवानावार आगे बढ़ती चली गई थी। उसकी मंजिल सिर्फ़ और सिर्फ राबली कबीला था, जहाँ मुकद्दस सुनहरी रोशनी की परस्तिश की जाती थी। अब साईं इन आँखों के हवाले से किसी गैर मामूली वाक़े की पेशनगोई कर रहा था, और साईं की पेशनगोइयाँ गैर अहम नहीं होती थी।
मेरा जहन ना चाहते हुए भी बार बार सुनहरी औकाब और मुकद्दस रोशनी के बारे में सोच रहा था। आखिर कौन था वो खूबरू शख्स जो सात पर्दों में छुपकर रहता था और अपनी सहरंगेज़ शख्सियत से लोगों को दीवाना कर देता था। बेशक वो इस दूरदराज इलाके में सादा रौ कबायलियों की सादगी का फ़ायदा उठा रहा था, लेकिन उसकी गैरमामूली सलाहियतों से भी इनकार नहीं था, कुछ भी था। मुझे वो शख्स और इसके पैरोकार इस वादी मौत के वासियों से बेहतर नज़र आते थे, क़ता नज़र इससे कि उनमें ज़ात पात की तकसीम मौजूद थी। वो बेहद मेहनती और अमन पसंद थे, जबकि सरदार सिदरत के लोग यानी वादीदा खान वालों का असल पेशा ही लूटमार था। जातरियों का तसल्लुत ख़त्म होने के बाद वो किसी हद तक लूटमार से तो बाज आ गए थे, लेकिन इतनी जल्दी उनकी फितरत नहीं बदल सकती थी। एक रोज़ पहले तमाशागाह में लोगों का रवैया देखकर मुझे उनसे नफरत सी हो गई थी। जानकनी के आलम में तड़पते हुए लोगों की बेबसी पर कहकहे लगाना और तालियां पीटना नहायत शकीलकल्ब लोगों का ही काम था। इतने हजूम में मुझे एक फ़र्द भी ऐसा नज़र नहीं आया था जिसके चेहरे पर इस तमाशे से नफ़रत या बेजारी का तासुर पाया जाता हो। वो रात मैंने करवटें बदलते हुए गुजार दी। अगला दिन हसब मामूल तुलू हुआ। सब कुछ रोज़मर्रा की तरह था। साईं आली अब अक्सर खामोश था, मेरी हर बात के जवाब में बस हूँ हाँ करके रह जाता। अपनी गुफ्तगू में साईं ने बार बार दोपहर का इशारा दिया था, मगर दोपहर आई और गुजर गई। कोई गैरमामूली वाक़ रोनुमा नहीं हुआ। फिर से पहर हुई और शाम हो गई। साईं किसी गहरी सोच में गर्क नज़र आता था। यह रात के दूसरे पहर का वक्त था। मैं दोहरे कंबल में टांगें सुकेड़कर सर्दी पर काबू पाने की नाकाम कोशिश कर रहा था। अगर किसी वक्त ऊँग आ भी जाती तो यूँ लगता कि किसी यकबस्ता पानी में डूबता चला जा रहा हूँ। ऐसे में बंदे को एक अदद गर्मा गर्म आरामदेह बिस्तर की असल अहमियत का अंदाज़ा हो जाता है। अचानक एक नामानूस शोर ने मुझे चौंका दिया। ये गूंज सी थी जो स्वादी के शुमाली हिस्से से बतदरीज बुलंद हो रही थी। ये शोर और गूंज मैं चंद दिन पहले भी सुन चुका था, जब सरदार रावल अपने लश्करियों के साथ वादी पर हमलावर हुआ था। मैं पुल के बहुत करीब मौजूद था। इस दिन पहली बार मेरे कान इस गूंज से आशना हुए थे। मेरे दिल से आवाज़ आई, हो ना हो आज फिर वही सूरत हाल बन गई है। शायद सरदार रावल फिर वादी पर हमलावर हो गया है। मैं बेसाख्ता अपनी जगह से खड़ा हो गया। फिर मैंने झंझोड़कर साईं आली को गहरी नींद से बेदार किया। पहले तो वो ऑल फॉल बोलता रहा, फिर उसने भी नामानुस शोर सुन लिया और एकदम चुप हो गया। शोर अब काफ़ी करीब आ गया था। मैंने बारक नुमा कोठरी के आहनी जंगले से बाहर झाँका और मुझे महसूस हुआ कि शुमाल की तरफ रोशनी से फैली हुई है। रोशनी और इस वादी में, ये बड़ी अजीब बात थी। यहाँ तो सूरज गुरूब होने के बाद दिया सलाई तक जलाने की इजाज़त नहीं थी, कहाँ इतनी रोशनी के आसमान सुर्ख हो रहा था। साईं आली ने दीवानगी से भरपूर कहकह लगाया, दुमदार सितारा, दुमदार सितारा, तुम्हें कहा था ना ये सितारा मनहूस होता है। शोर व गुलव वाज़े हो गया था। साफ पता चल रहा था कि पुल की जानेब कोई खौफनाक हलचल मच चुकी है। कोठरी के कई मादार अब जाग गए थे और हिरासा लहजे में एक दूसरे से सवालों जवाब कर रहे थे। मैंने बंदी खाने के दो महाफिजों को देखा। वो राइफलें हाथों में लिए हमारे सामने से सरपट भागते हुए निकल गए। यकीनन उनका रुख पुल ही की तरफ था। हम कोठरी में थे, मगर करबो जवार में अचानक की जो शदीद हलचल मची थी वो हम अच्छी तरह महसूस कर रहे थे। यूँ लगता था कि हर शख्स भाग रहा है और बुलंद आवाज़ से बोल रहा है। चंद लम्हे बाद घोड़ों की तेज़ टापों से अंदाज़ा हुआ कि एक दस्ता बड़ी तेज़ रफ्तारी के साथ बंदी खाने से निकला और पुल की तरफ गया है। अगला आधा पौन घंटा बेहद सनसनीखेज था। ये बात अब पाया सबूत को पहुंच गई थी कि राबली कबीले ने सिर्फ 24 घंटे पहले शिकस्त खाने के बाद वादी पर दूसरा हमला किया है और उसके हरावल सवार पुल पार करके वादी में घुस आए हैं। बंदी खाने से पुल का फासला 2 फरलांग से ज़ायद था, उसके बावजूद एक शदीद तरीन मार्के के सऊदी असरात हम तक पहुंच रहे थे। साईं आली बज़ाहिर हर शय से बेनियाज नज़र आता था और कोठरी के वस्त में आलती पालती मारे बैठा था। गाहे गाहे उसके होठों से एक नारा बुलंद होता था, हा दिल धड़का वैशी का, हा दिल धड़का। उसकी आंखें बदस्तूर बंद थीं। थोड़ी देर के बाद लड़ाई का हौलनाक शोर बंदी खाने से नज़दीक तर हो गया। यह इस बात का सबूत था कि हमला औरों ने जान हथेली पर रख ली है और वादी के कुल्हाड़ा बरदारों को रौनते हुए आगे बढ़ रहे हैं। शुमाल की जानिब से उभरने वाली सुनहरी माइल रोशनी भी करीब तर आती जा रही थी। बंदी खाने के दरों दीवार से चिमटी हुई तारीकी पहले जैसी गंभीर नहीं रही थी। अचानक मुझे मशल बरदारों की एक घुड़सवार टोली नजर आई। वो बड़ी तेज़ी के साथ बंदी खाने के सामने से गुजर गई।
चंद लम्हों के बाद एक ऐसी ही टोली बंदी खाने में घुस आई। उसके बर्छे दूर ही से चमक रहे थे। यकीनन ये सरदार रावल के लश्करी थे। कोठरी में बंद कैदियों ने मशलबरदारों को देखते ही पुरजोश नारे लगाए और उछल कूद करने लगे। चंद लश्करी घोड़ों से उतरकर हमारी बारकनुमा कोठरियों के सामने पहुंचे। एक शख्स ने 7 mm के पे दर पे फायर करके दरवाजे का आनी कुफल तोड़ दिया। दरवाज़ा खुलते ही कैदी भर्रा मारकर बाहर निकले। ये तमाम तर कैदी रावली कबीले के थे। मशलबरदार घुड़सवारों ने उनमें से कई एक के हाथों में तो बर्छे और भाले थमा दिए और बाजे को अपने साथ घोड़ों पर सवार कर लिया। साईं आली ने मुझसे मुखातिब होकर कहा, शफी मोहम्मद, मेरी बात याद है ना तुझे? कौन सी बात? मेरे साथ रहना, इधर उधर नहीं हो जाना। ठीक है। हम बंदी खाने से बाहर निकले तो हर तरफ अफरा तफरी का आलम नजर आया। ये बड़ी तबाहकुन किस्म की अफरा तफरी थी। गलियों में मुतहर्रिब ग्रुपों के दरमियान घमसान की लड़ाई हो रही थी। गोलियों के धमाके थे और तेज़ धार आलों की चमक मौत बनकर दूसरों के सरों पर तड़प रही थी। मैंने कई घरों को धड़ाधड़ जलते देखा। इन जलते घरों में से मर्दोजन और बच्चे चीखते चिल्लाते भाग रहे थे। उनमें से कई जख्मी थे और कुछ के कपड़ों को आग लगी हुई थी। यही लोग थे जो एक रोज़ पहले तक तमाशा गाह में दरिंदगी और सफाकी का मुजाहरा ज़बरदस्त तालियों के शोर में देख रहे थे। आज मौत ने एक बदमस्त सांड का रूप धार लिया था। ये पूरी बस्ती मौत का तालाब बन गई थी और आसमान तमाशा देख रहा था। हमारी आंखों के ऐन सामने एक ज़बरदस्त झड़प हो रही थी। लंबे बालों वाले 3 कुल्हाड़ा बरदार एक घोड़ा गाड़ी के अकब में छुपे हुए थे और उन हमलावरों पर फायर कर रहे थे जिन्होंने एक दीवार की ओट में पनाह ले रखी थी। दीवार के पीछे से भी ताबड़तोड़ फायर हो रहे थे। अचानक भग भग की आवाज़ों से घोड़ा गाड़ी में शोले भड़क उठे। यकीनन उस पर पेट्रोल बम किस्म की कोई शय फेंकी गई थी। शीशे की बड़ी बोतल में तेल वगैरह डालकर उसे पेट्रोल बम की शक्ल देना खासा आसान होता है। जो ही घोड़ा गाड़ी से शोले बुलंद हुए, उसकी आड़ में पना लेने वाले मकामी लोग हड़बड़ा कर पीछे हटे। उसी वक्त वो लोग फायरिंग की जद में आ गए। हमला आवरों ने पलक झपकते में उन तीनों को भून डाला। ये सारा वाकया बेहद मुख्तसर वक्त में रोनुमा हुआ था। बमुश्किल 5 सेकंड लगे होंगे। साईं आली और मैं गाढ़े धुएं के अंदर से भागते हुए सुरंग के दहाने की तरफ जा रहे थे। बंदी खाने का कंबल मेरे कंधे पर था। साईं मेरी रहनुमाई कर रहा था। वो बेहद संजीदा और बिल्कुल बदला हुआ शख्स नज़र आता था। गली कूचों में होने वाली लड़ाई के बारे में हमें कुछ ज़्यादा मालूम नहीं था, लेकिन हमने जो कुछ भी 2-3 मिनट के अंदर देखा, इससे यही अंदाज़ा हो रहा था कि हमला आवरों का पलड़ा भारी है। इसके अलावा मुझे एक ख़ास बात महसूस हो रही थी। यूं लग रहा था कि वादी का दिफा करने वाले घुड़सवारों की तादाद कम है। पैदल दस्ते भरपूर कोशिश कर रहे थे, लेकिन घुड़सवारों के मुकाबले में उन्हें सख्त दुश्वारी पेश आ रही थी। हम दौड़ते हुए सुरंग के दहाने पर पहुंचे और फिर अंदर दाखिल हो गए। यहाँ बतदरीज धुआं भरता चला जा रहा था। मैंने 2 नीम ब्रहना मकामी लड़कियों को देखा। उनकी पेशानी पर एक एक धारी थी। वो हमला आवर घुड़सवारों के आगे आगे जान बचाने के लिए भाग रही थी। लंबे बालों वाले एक बहुत मोटे कुल्हाड़ा बरदार की लाश फैलांग कर हम सुरंग की तंग शाख में दाखिल हो गए। यहाँ अभी धुआं भरना शुरू नहीं हुआ था। हाँ, बारूद की बू लेकिन यहाँ मौजूद थी। दीवारों पर मशलें जल रही थीं। उनकी रोशनी में पत्थरों पर नीम उरिया देवी देवताओं की तस्वीरें कंदा नजर आती थीं। रूपाश देवता यानी सांड की तस्वीर अक्सर जगहों पर कंदा की गई थी, लेकिन यह सांड देवता औरतों के साथ नजर आ रहा था और कई तस्वीर बहुत काबिल एतराज़ थीं। अभी हम इस सुरंग में 40-50 कदम ही आके गए होंगे कि कदमों की चाप सुनाई दी। कुछ लोग भागते हुए हमारी तरफ आ रहे थे। साथ साथ वो तेज़ आवाज़ में बातें भी कर रहे थे। एक जानी पहचानी आवाज़ मेरे कानों में पड़ी, खोचे, हमारा ख्याल है कि ये रास्ता ठीक रहेगा। ये जरी की आवाज़ थी। मैंने पुकार कर कहा, जरी, हम इस तरफ हैं। चंद लम्हों में जरी हमारे सामने था। उसके साथ जॉन चावल था और उसके अलावा भी कई जाने पहचाने चेहरे थे। ये फिल्मी यूनिट के वो लोग थे जो पिछली दफ़ा हमारे साथ इस वादी में से निकल नहीं सके थे। उनमें एक खूबसूरत चेहरा श्रीलंकन अदाकारा लुसांची का था। सफदर कहाँ है? वो यहाँ नहीं है, उन्हें ढूंढना पड़ेगा। ओह गॉड, साईं आली बिगड़ कर बोला, खुदा को याद भी करोगे तो अंग्रेज़ी में करोगे। चलो आओ मेरे साथ, मुझे पता है कि सफदर कहाँ है। हम साईं आली के पीछे बाहर की तरफ लग गए। सुरंग के दहाने के पास एक हमलावर की लाश तले खुदकार राइफल दबी हुई थी। मैंने राइफल खींच ली।
इसमें 30 गोलियों वाला मैगजीन चढ़ा हुआ था और इसमें अभी शायद 4-5 गोलियां ही फायर हुई थी। जरी की निगाहें भी इर्द गिर्द का तेज़ी से जायज़ा ले रही थीं, शायद वो भी किसी मरने वाले का हथियार ढूंढ रहा था। पुरुषरार पोटलियों वाले दरख्त के पास एक गढ़ा था। साईं आली ने अपने पीछे आने वालों को चीख कर हिदायत की कि वो इस गढ़े में उतर जाएं ताकि अंधाधुंध फायरिंग से महफूज रहें। बेशतर अफराद गढ़े में उतर गए। साईं मुझे जरी और जॉन चाउल को लेकर वादी के वस्ती हिस्से की तरफ रवाना हुआ। वो बार बार कह रहा था, मेरे साथ रहना, आगे पीछे नहीं हो जाना। साईं की टांगों में इतनी कुव्वत ना जाने कहाँ से आ गई थी। वो किसी छलावे की तरह उड़ा चला जा रहा था। उसकी आंखों में गैर मामूली चमक थी। रास्ते में से कहीं से उसने एक मशल भी पकड़ ली थी। उस मशल की रोशनी हमारी रहनुमाई कर रही थी। हम सब दीवारों के साथ साथ झुककर चल रहे थे। कहीं फायरिंग की शिद्दत होती तो औंधे लिट जाते। ऐसे ही एक मौके पर मैंने देखा कि चंद कुल्हाड़ा बरदार बर्क रफ्तारी से हम पर हमलावर हुए। शायद वो हमें मादारों की हैसियत से पहचान गए थे। जाहिर है साईं आली का हुलिया ऐसा नहीं था कि आसानी से भुलाया या नज़रअंदाज किया जा सकता। वो लपके भी साईं आली की तरफ थे। राइफल मेरे हाथ में थी। मुझे एक लम्हे की भी ताखिर हो जाती तो एक हाथ कुल्हाड़े का फल ज़रूर साईं के सर को दो नीम कर देता। मैंने ट्रिगर दबाया, एक ब्रस्ट निकला और तीन अफराद उछल उछल कर तारीकी में गिरे। बाकी पना लेने के लिए मुख्तलिफ अतराफ में भागे। हम एक बार फिर साईं के पीछे चल दिए। फायरिंग की आवाज़ के बावजूद साईं एक लम्हे के लिए भी नहीं रुका था। अचानक पास ही कहीं दस्ती बमों के दो ज़ोरदार धमाके हुए और फिजा लरस गई। मैंने पलट कर देखा, दो घर शोलों की जद में थे। मेरी आंखों के सामने 10-12 साल का एक बच्चा जलते हुए घर से निकला। उसके कपड़ों ने आग पकड़ रखी थी और वो चीख रहा था और भाग रहा था, लेकिन आग से भागकर वो कहाँ जा सकता था। आग तो उसके साथ थी। भागते भागते उसने बड़ी हसरत भरी नज़रों से मेरी तरफ देखा। उसकी ये बेबस निगाह मेरे दिल में तीर की तरह पेवस्त हो गई। ये मौत के जबड़ों में फंसे हुए बच्चे की निगाह थी। वो सिर्फ एक बच्चा था। उसका ताल्लुक किसी कबीले, किसी देवता से नहीं था। कोई इसकी माँ थी और वो उसका लख्त जिगर था। इन लम्हों में मुझे सिर्फ माँ और बच्चे का रिश्ता याद रहा। मैं बेख्तियार उसके पीछे दौड़ा। मेरे कंधों पर बंदी खाने का कंबल था। बच्चे का ऊनी लिबास काफ़ी मोटा था। अभी आग ने शायद उसके नाजुक जिस्म तक नहीं पहुँची थी। अगर पहुँच गई होती तो वो भाग नहीं सकता, गिर कर तड़पने लगता। मैंने उसके पीछे भागते हुए अपना दोहरा कंबल उस पर फेंक दिया और पूरी तरह अपनी बाहों में लपेट लिया। शोले बुझ गए। सफ़ेद धुएं और जले हुए गोश्त की बूँदें मुझे घेरे में ले लिया। एक ज़ख्मी औरत चीखती हुई मेरी तरफ बढ़ी। जलते हुए मकानों की रोशनी में उसका चेहरा रंजो गम की तस्वीर नज़र आता था। वो बच्चे से लिपट गई और उसे टटोलने लगी और उसका मुँह चूमने लगी। यकीनन ये उसी का बच्चा था। घुड़सवारों का एक दस्ता आया और हमारे करीब से दंदनाता हुआ गुजर गया। धुएं के मरखोले चारों तरफ फैल गए थे। साईं और जरीगुल वगैरह कहीं नज़र नहीं आ रहे थे। मैंने बुरी तरह खांसते हुए उन्हें आवाज़ें दी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। किसी राइफल की गोलियां सनसनाती हुई मेरे करीब से गुजरी और मुझे भाग कर एक संगी मुजस्मे के पीछे पना लेनी पड़ी। वादी नहायत खौफनाक तसादुम की जद में थी। वो बस्ती जहाँ एक दिया तक जलाने की इजाज़त नहीं थी, पूरी की पूरी जल रही थी। हर तरफ जख्मियों और मरने वालों